नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चुनाव से जुड़ा एक बहुत ही अहम हिस्सा लेकर। एक ऐसी चीज जिसके बिना चुनाव हो ही नहीं सकते, जिसके ऊपर कई बार आरोप लगे हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, कईयों ने तो इनके ऊपर इंफॉर्मेशन लीक करने के भी इल्जाम लगाए हैं। अरे घबराइए मत, हम किसी इंसान की नहीं एक मशीन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये वो मशीन है जो इंडिपेंडेंट और फेयर इलेक्शन करवाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। सिंपल बैटरी से चलने वाली ये मशीन मतदान के समय वोट डालने और वोटों की गिनती करने में काम आती है। EVM में एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन है जो मतदान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और इसमें वोटों की गिनती सटीक और स्किल्ड तरीके से होती है, यानी कि इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। EVM वोटिंग डेटा को सालों तक अपने पास रखती है जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सकता है। इसमें एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है जिससे इसमें अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। अब बताते हैं आपको EVM कितने हिस्सों में बनी होती है। तो EVM दोस्तों तीन हिस्सों में बनी होती है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट जिसको आप CU भी कहते हैं, दूसरा बैलेटिंग यूनिट यानी कि BU और तीसरा VVPAT यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रे। अब आपको समझाते हैं कि EVM के ये तीनों हिस्से काम कैसे करते हैं। कंट्रोल यूनिट को बैलेटिंग यूनिट से एक तार के जरिए जोड़ा जाता है जो कि महज 5 मीटर का होता है, ताकि दोनों मशीनों के बीच में गैप या यूं कहें कि डिस्टेंस बनाया जा सके। बैलेटिंग यूनिट EVM का वो हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है और कंट्रोलिंग यूनिट EVM का वो हिस्सा होता है जो पोलिंग ऑफिसर के पास में रखा जाता है। वहीं अगर बात करें VVPAT की तो वो EVM से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर ये देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है कि नहीं। अब आप सोचेंगे पता कैसे चलता है, चलिए ये भी जान लीजिए। दरअसल वोट डालने के बाद इसी VVPAT से एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में जिस कैंडिडेट को आपने वोट डाला है उसकी तस्वीर और उसका चुनाव चिन्ह दिखता है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने अपना वोट सही कास्ट किया है। पर क्या आपको पता है VVPAT वाली EVM का इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था? तो दोस्तों इसका इस्तेमाल सबसे पहली बार 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव यानी कि बाय इलेक्शंस के दौरान किया गया था। लेकिन अब हर चुनाव में VVPAT को इस्तेमाल किया जाता है और ये EVM का सबसे जरूरी पार्ट है। एक जरूर जानकारी और दे दें आपको, EVM एक स्टैंड अलोन मशीन होती है। इससे किसी भी तरह का कोई नेटवर्क नहीं जुड़ा होता है। ये मशीन किसी कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं होती है। EVM में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता है। वोटिंग के बाद इन्हें सील बंद कर दिया जाता है और सिर्फ वोट काउंटिंग वाले दिन से खोला जाता है। जितने भी नए वोटर लोग हैं हमारे, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि EVM के पहले वोट बैलेट पेपर के जरिए डाला जाता था। बैलेट पेपर कैसे काम करता था अब वो भी समझ लीजिए। पोलिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर वोटर्स को एक कागज का वोट दिया करते थे, जो कागज लेकर वोटर पोलिंग कंपार्टमेंट में जाता था और अंदर जाकर वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे मुहर लगा देता था। उसके बाद उस वोट को बैलेट बॉक्स यानी कि मत पेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन जब से EVM आई है तब से कागज और मुहर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। अब वोटर मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं जिससे बैलेट यूनिट सक्रिय हो जाती है। इसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। बटन दबाने के बाद चुने गए उम्मीदवार के बगल में एक लाल बत्ती चमकती है और लंबी बीप की आवाज आती है जिससे अधिकारी और बाकी के सुरक्षा कर्मियों को भी पता चल जाता है कि मतदाता के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इससे दोस्तों 4 फायदे होते हैं। एक तो कागज की बचत होती है, दूसरा समय की बचत होती है, तीसरा सही जगह मुहर ना लगने के कारण मत आपका खारिज नहीं होता यानी कि कैंसिल नहीं होता, और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वोटों की गिनती बेहद ही कम समय में हो जाती है। पहले बैलेट बॉक्स के थ्रू वोटिंग के बाद वोटों की गिनती में कई लोगों को लगना पड़ता था और ये काम काफी टाइम टेकिंग होता था। अब तो वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। ये यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान पूरा होने के बाद वोटों की गिनती इसी यूनिट के जरिए की जाती है। वैसे क्या आपको पता है EVM को कब और किसने बनाया था? तो दोस्तों भारत के चुनाव आयोग ने 1989 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL के सहयोग से EVM को बनाया था। BEL रक्षा मंत्रालय के तहत आता है और ECIL डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आता है।
1990 में भारत के कई इलाकों में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ही ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया गया, जो आज भारत के संसदीय से लेकर नगर पालिका जैसे स्थानीय निकायों के चुनाव तक में उपयोग में लाई जाती है। इसमें एक व्यक्ति केवल एक ही वोट डाल सकता है, जिससे इसमें अमान्य वोटों की संभावना खत्म हो जाती है। ईवीएम ना दोस्तों बेहद यूजफुल है और ये पेपर बैलेट यानी कि मत पत्रों के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट भी होती है, क्योंकि इसमें गलत या अनक्लियर वोट डालने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, और अगर उम्मीदवार ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा बैलेटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है, और ऐसे ही 24 बैलेटिंग यूनिट्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं उसके बाद बैलेटिंग यूनिट को कंट्रोल यूनिट से अलग कर लिया जाता है। वोट काउंटिंग के दौरान रिजल्ट या वोट बटन दबाने पर परिणाम दिखाई देता है, जिसे कंप्यूटर में जोड़कर पूरे नतीजे पाए जा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के सामने होता है। वोट काउंटिंग पूरे होने के बाद फॉर्मल रिजल्ट का ऐलान हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे काम करती है ईवीएम मशीन। आई होप ये जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित हो और मैंने कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी किया हो टू वोट। हर एक वोट काउंट करता है गाइस। चलिए अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशंस हो हमारे लिए, आप क्या सुनना चाहते हैं, किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।